नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल फैंटास्टिक फूड में स्वागत है। जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, आप सबको पता है कि सावन के महीने में घरों में खीर और पूड़े बनाए जाते हैं। इसको बनाने के लिए मैं आज आपको पूड़े बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम पूड़े बनाने के लिए एक कटोरी आटा लेंगे और एक कटोरी इसके लिए हमने गुड़ लेना है और 2 स्पून हमने इसमें सौंफ ऐड करनी है। अब इसको इस तीनों को मिलाकर हम एक मिक्सचर तैयार करेंगे। मिक्सचर तैयार करेंगे। जी देखिए दोस्तों, अब हमने आटा, गुड़ और सौंफ को ऐड करके एक मिक्सचर तैयार कर लिया है। मिक्सचर तैयार करने के बाद हम इस मिक्सचर को 5 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे, ताकि ये मिक्सचर अच्छे से इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हो सके। दोस्तों, अब 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा मिक्सचर अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। अब हम पूड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। पूड़े बनाने के लिए हमने सबसे पहले हम तवे के ऊपर 1 स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से फैला लेंगे और इसके बाद हमने इसके ऊपर इस मिक्सचर को डालेंगे। मिक्सचर को डालने के बाद उसे स्पून की मदद से अच्छे से फैला लेना है। अब हम इसके चारों तरफ ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद हमने इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना है। अब दोस्तों, 1 मिनट हो चुका है। 1 मिनट के बाद हमने इस पूड़े को पलट दिया है। अब हम इसको पलटाने के बाद इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के लिए हम ब्रश का यूज भी कर सकते हैं। मेरे पास ब्रश अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने इसके लिए स्पून का यूज किया है। अब हम इसको दूसरी तरफ से भी पलटेंगे और अच्छे से इसको पका लेंगे। ऐसे करके ही मैंने इस बोल से 10 से 15 पूड़े बनाने हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हमारे गर्मा गर्म खीर और पूड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे सर्व करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।